भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव इन दिनों इतने व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें खाना खाने की भी फुर्सत नहीं है। भाई ऐसे में वो अपने चुनाव प्रचार के लिए एक गांव में गए जहां उस वक्त भंडारा चल रहा था। वहां उनके चुनाव प्रचार के दौरान कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि हमारे साथ भोजन कीजिए और प्यार भरे निमंत्रण को निरहुआ इनकार न कर सके और सभी के साथ बैठ गए जमीन पर खाना खाने। वैसे निरहुआ को जमीन पे बैठ खाना खाते देख ये साफ हो गया है कि निरहुआ पक्के नेता बन चुके हैं। पब्लिक जैसा कहेगी चुनाव प्रचार के दौरान वो वैसा करेंगे। लेकिन आपको यहाँ हम बता दें कि निरहुआ काफी जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। यहाँ खाना खाने के बाद निरहुआ ने ये कहा कि बरसों बाद इस तरह जमीन पे बैठकर खाना खाने का आनंद आज उन्हें आया। वैसे आज जिस मुकाम पर निरहुआ है वो पब्लिक की वजह से ही है और अब उसी पब्लिक के बीच बैठकर उनका सुपरस्टार खाना खा रहा है तो ये किसी के लिए भी सौभाग्य की बात है। वैसे भी निरहुआ को अभी अपने आप को साबित करना बाकी है, इसलिए चाहे जो भी हो निरहुआ अपने हर हथकंडे अपना रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए और चुनाव में वो अच्छी बढ़त और कामयाबी के साथ लौटे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।